मेरे साथ एएमयू के प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब हैं। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो खुद पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं कि जो वर्तमान हालात है उसमें खासकर जो माइनॉरिटी के इशूज हैं वो क्या हैं, मुस्लिम समाज को किस दिशा में सोचना चाहिए और उनके लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्या लग रहा है सर कि जो हालात हैं उसमें कोई पार्टी ऐसी आपको लग रही है जो खासकर मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के मुद्दे को इशूज को टच कर रही है या उसके बारे में बात कर रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन के टाइम में तो बहुत सारी बातें करती हैं, और ये 70 साल से जब से हमारी डेमोक्रेसी है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एस्टैब्लिश्ड वो बात करती आई हैं। लेकिन जो मुसलमानों के अगर नज़रिए से आप देखें या उनका जो अप्रोच होना चाहिए उसमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नेचुरल अलायंस किस पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, किन फोर्सेज के साथ हो सकता है, और नेचुरल अलायंस में उनको कॉमन इश्यूज़ तलाश करने पड़ते हैं। जब हम कॉमन इश्यूज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे दलित हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, जैसे OBC की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो इस देश में 3000 साल के विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं। मुसलमानों का जो विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, वो कम दिनों का है, लेकिन विक्टिमाइजेशन बहुत ही सटल है, बहुत ही ख़तरनाक विक्टिमाइजेशन है। तो ऐसी हालत में जो को सफ़रर्स हैं, जो उनकी तरह डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जो उनकी तरह सिक्योरिटी का थ्रेट फेस कर रहे हैं, जिनके पास इस बात की भी फ्रीडम नहीं है कि वो कौन सी चीज़ खाएँ, यानी खाने का जो मीनू है वो भी दूसरे लोग उनके लिए तय करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ उनको अलायंस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म इलेक्शन को सिर्फ सामने रख कर के सोचेंगे और इमोशन से अगर गाइड होंगे तो उसका नुकसान वैसे ही होगा जैसे 70 साल से होता आया है। पिछली सरकार में जिस तरह से यूपी में खासकर 500 के करीब दंगे हुए हैं, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर फेल रही? देखिए, सरकार किसी की भी हो, ये बड़ी अजीब सी बात ये है कि एक मैं इस मुल्क में ये देखता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं या जो जिसको हम कहते हैं रिप्रेसिव एपरेटस ऑफ द स्टेट, जिसे पुलंजा ने कहा था, या मार्क्सिस्ट पैराडाइम में जो हम आइडियोलॉजिकल और कोएर्सिव या रिप्रेसिव एपरेटस की बात करते हैं, वो बड़ा ब्रूटल होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी ब्रूटैलिटी ये होती है कि जो भी दंगे होते हैं उनमें मुसलमान उनसे स्लॉटर फेस करते हैं, मैसेकर फेस करते हैं, कभी कभी वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, कभी कभी जो लूट करने वाले हैं, मारने वाले, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो उसमें ये चीज़ें आती हैं। जो पिछले ये जो आप देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा दंगे बता रहे हैं, कुछ लोग 1000 से ज़्यादा दंगे बताते हैं, दंगों की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए डेटा तैयार किया जाता है। एक बात आपको ये देखना होगा कि जो BJP 2014 में इलेक्शन में पावर में आई है उसने इस मुल्क में एक नैरेटिव जनरेट किया है। उस नैरेटिव में जो दलित है, जो मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं एनिमी नज़र आता है उन लोगों को जो अब तक पावर पे कब्ज़ा करते हुए आए हैं। यही वजह है कि आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे आज इलेक्शन से 2 महीने पहले ये बताया जाता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा वोट लेगी, जैसे मिसाल के तौर पर BSP, आज उस पार्टी को तमाम मीडिया ने एक कवर अप इस तरह से किया है कि उसे सबसे पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये दलित, मुस्लिम, OBC, मार्जिनलाइज कम्युनिटी एक साथ आ जाएंगी, और यूपी में अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा तो ये पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल बनेगा कि एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन को सफरर्स का हो सकता है। क्या लगता है कि भागीदारी के सवाल पर जिस तरह से BJP ने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया, तो एक उसने घोषित एनिमी जिसको आप कह सकते हैं, तो भागीदारी के सवाल पर कोई पार्टी जो यूपी में खासकर मुसलमानों के आसपास है उसका नज़दीकी का रिश्ता बनते हुए देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि BSP ने जिस तरह से 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, और मायावती जो BSP के सुप्रीमो हैं उनके जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखें 4-5 चीज़ों पर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जो हमला किया गया, तो सबसे पहला स्टेटमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो AMU माइनॉरिटी कैरेक्टर के फेवर में आया, वो मायावती जी की तरफ से आया था। दूसरा, अगर आपने देखा मुस्लिम पर्सनल लॉ के इशू पे उन्होंने कहा कि RSS जो है अपना एजेंडा मुसलमानों पर इम्पोज करने की कोशिश ना करें। तीसरा, कॉज स्लॉटर वाला जो इशू है जिसमें विक्टिम मुसलमान और दलित दोनों बराबर के विक्टिम रहे हैं, चूँकि उनके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक फूड हैबिट का पार्ट है, उनके लिए उसका वो रेवरेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली इन तमाम इश्यूज़ पे जिस तरह से मायावती निकल के आई हैं, उससे ये लगता है कि वो मुसलमानों की साइकोलॉजी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब मीडिया ने बहरहाल उनके जो भी उनका अप्रोच रहा है मुसलमानों के लिए या उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, उसको एक डिलिबरेट कवर अप के तौर पे बहुत ज़्यादा पीछे करने की कोशिश की है। और जो कम्युनिटी लीडरशिप है मुसलमानों की, जब मायावती के लिए अपील करती है, BSP के लिए अपील करती है, या दलित मुस्लिम अलायंस की बात करती है, तो उसको भी वो हाशिए पर रख देते हैं या कभी 2-4 लाइन की न्यूज़ दे देते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन मासेस में जा सकता था दलित्स में और मुस्लिम्स में, वो कम्युनिकेट बहुत ठीक से नहीं हो पाया है।
मैंने कभी किसी मुस्लिम नेता को या मुस्लिम समाज को आरक्षण के प्रति आंदोलन करते हुए नहीं देखा, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखा। लगातार जामिया हो या एमई हो, कहा जा रहा है कि यहाँ दलितों को आरक्षण नहीं है, इनका एक माइनॉरिटी स्टेटस है, तो एक जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश है। देखिए, ये हमें रूलिंग क्लास की साजिश को समझना चाहिए। यहाँ पे वो क्लास जो इस मुल्क पे, जो इस मुल्क की संपत्ति पे, यहाँ के वेल्थ के, यहाँ के रिसोर्सेज पे, यहाँ के पावर पे, यहाँ के ऑफिसेज पे 3000 साल से काबिज है, वो क्लास ये चाहता है कि अब जो लड़ाई हो वो दूर से बैठ करके देखें और अपना जो केक है, जो उसमें जो उनका केक में शेयर है वो अपने पास रखें, और दलित, मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के लोग और ट्राइबल और जो ओबीसी के लोग हैं, ये आपस में रिजर्वेशन के दंगल में फंस जाएं और इतनी लड़ाई हो कि बाद में ये कहेंगे साहब रिजर्वेशन इस मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो ये एक साजिश है जो अफर्मेटिव एक्शन, जो डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी तहरीक है, महात्मा फुले की पूरी तहरीक है, दलितों में जागृति जो लाए और फिर मंडल कमीशन है उसकी पूरी तहरीक है, उसके साथ ओबीसी ने या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने जो कुछ जीता है अब तक डेमोक्रेसी में इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, और प्रैक्टिकेबल नहीं है तो रिजर्वेशन ख़त्म कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, ट्राइबल्स को, ओबीसी को समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन देखिए, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उस जजमेंट को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि 49.5% ही रिजर्वेशन क्यों हो सकता है जब इस मुल्क में 80% लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, जिनकी तादाद 80% है, और 20% लोगों का या 10% लोगों का 80% ऑफिसेज पे और अहदों पे कब्जा होगा, तो ये 80% लोग कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी का नाम होता है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी का नाम होता है रिप्रेजेंटेशन, तो वो रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में, वो रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नज़र आना चाहिए। एमयू उनको रिजर्वेशन चाहिए, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, जामिया में चाहिए, लेकिन जो सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मुख्तलिफ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में खाली हैं उसको भरने की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये जो सरकार है और जो बात करती है इसके बीच में, और माइनॉरिटीज़ और तमाम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, दलितों के बीच में घोड़े और घास का रिश्ता है। अगर ये दलितों से, मुसलमानों से, को सफरट से, ट्राइबल से यूनिटी की बात करेंगे तो ये खाएंगे क्या? इनकी पूरी जो, इनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो दुश्मनी पे है, नफरत पे है, और नफरत किसके खिलाफ? उन लोगों को जो मार्जिनलाइज हैं उनको फर्दर मार्जिनलाइज करने पे है। इसलिए जो कंसोलिडेशन बनना चाहिए इस इलेक्शन में या आने वाले तमाम इलेक्शन में, वो तमाम को सफरर्स को, जो महरूम तबकात हैं, जो तमाम जगहों से वंचित किए जा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स बन करके कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मेथड के जरिए पावर कैप्चर करना चाहिए। सर, एक सवाल, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो जो लास्ट अंतिम समय में जो गठबंधन हुआ अखिलेश और राहुल का, इसको कैसे देख रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट के लिए गठबंधन हुआ या इसका कोई भविष्य भी देख रहे हैं? ये कोई भविष्य नहीं है, ये देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये यकीनन ये सही बात है कि मुस्लिम वोट जो पहले 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ट्राइंगुलर फाइट में 3 हिस्सों में, यानी कांग्रेस में, बीएसपी में और समाजवादी पार्टी में, तो अब ये वोट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी एक बड़ा चंक मुसलमानों का यकीनन बीएसपी के साथ है, और जिसको अभी नहीं दिखाया जा रहा है लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट में वो नज़र आएगा, और साथ ही साथ मुसलमानों का एक सिग्निफिकेंट तबका, जाहिर से बात है, इस अलायंस के साथ भी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज बहरहाल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे इमर्ज होती हैं, और जब सामने ये ख़तरा नज़र आता है कि कॉम्युनल फासिज्म इस मुल्क में आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो विनिबिलिटी देखते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मुख्तलिफ जगहों पे लोग वोटिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है, इस अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। ये पॉलिटिकल अलायंस जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग अलायंस उस वक्त होगा कि पहले सोशल अलायंस, ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं इनके बीच में बने, पॉलिटिकल अलायंस तो उसका नेसेसरी फॉल आउट होता है। तो सबसे पहले दलितों को, मुसलमानों को, ट्राइबल्स को, ओबीसी के लोगों को आपस में सोशल रिलेशन बढ़ाने चाहिए, और ये कॉम्युनल फोर्सेस जो हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड करना चाहती हैं उनसे बच करके एक यूनिटी का नैरेटिव डेवलप करना चाहिए, जिसमें हमारा मार्जिनलाइजेशन, हमारे डिस्क्रिमिनेशन, हमारा सिक्योरिटी, वो एक बड़ा इशू है। ये एक आखिरी सवाल सर, कि क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जानबूझकर ओपिनियन पोल हो, मीडिया की भूमिका हो, और ख़ासकर एक एक तरह से जो बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल प्रचार होता है उसमें कहीं ना कहीं वो तबका जो शोषित है, वंचित है, उसके प्रभाव में आ जाता है और इससे वो ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके वोट इधर उधर बट जाते हैं और उसके इशूज ट्रेस आउट नहीं हो पाते हैं? देखिए, मैं ये समझा, आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है या इंडियन डेमोक्रेसी का जो नैरेटिव है उसमें हम रोल ऑफ मनी पर बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स में बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिमिनल्स जो हैं, यानी जो वायलेंस करते हैं वो तो क्रिमिनल नहीं है, रोल ऑफ मनी जो प्ले करता है वो, लेकिन मीडिया का जो क्रिमिनलाइजेशन इस तरह से हुआ है, मीडिया इज़ मेंटेनिंग क्रिमिनल साइलेंस
ऑन मेनी मेनी इशूज दैट मस्ट बी हाईलाइटेड। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉरपोरेट मीडिया का बढ़ता हुआ रोल है, कॉरपोरेट मीडिया मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड टर्म, ये जो कॉरपोरेट मीडिया का बढ़ता हुआ रोल है डेमोक्रेसी में, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए कि इसके ज़रिए देखिए पब्लिक ओपिनियन को मैन्युफैक्चर करते हैं, रियल जो इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट नहीं करने देते हैं, इमोशनल इश्यूज़ को जो नॉन इश्यूज़ हैं उनको इश्यू बना करके प्रेजेंट करते हैं। तो नतीजे के तौर पर ये जो मीडिया है कॉरपोरेट मीडिया, और इस मीडिया में डोमिनेशन किन लोगों का, आप न्यूज़ हाउस में कितने लोग दलितों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, न्यूज़ रूम में कितने माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कोई भी डिस्कशन जब तक इस सोशल फॉर्मेशन को हम नहीं समझेंगे, सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, जो विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम है, जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं होगा और उनको नहीं बैठाला जाएगा, तो पब्लिक ओपिनियन सही नहीं आएगी। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेड है। जिस तरह से हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एक इशू माना है, जिस तरह से हमने रोल ऑफ मनी को एक इशू बनाया है, उस तरह से ये जो पेड मीडिया है, जो कवर अप वाला मीडिया है, जो मैन्युफैक्चर करने वाला मीडिया है, जो मिसगाइड करने वाला मीडिया है, उस मीडिया को भी हमें कहीं ना कहीं लाके कटघरे में खड़ा करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये ख़राब ओपिनियन पोल देने वाला जो मीडिया है, जो झूठा ओपिनियन पोल देता है, जो डीमोनेटाइजेशन अगर होता है तो वो इंटरव्यू लेने जाता है तो आरएसएस और बजरंग दल के इंटरव्यू कार्यकर्ता से इंटरव्यू लेता है, आम आदमी से इंटरव्यू नहीं लेता है। इस पेड मीडिया को जो फिक्स मैच की तरह मीडिया बनाता है उससे होशियार रहने की ज़रूरत है और उसको एक इशू बनाने की ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल, और लाख का मामला हो, ऊना में जिस तरह से मामला हो, लग रहा है कि अब वो तबका जो जिनका दंगों में इस्तेमाल होता था, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो, उनमें एक सहमति बन रही है, एक उनको लग रहा है कि हमें अब रोजी रोटी का सवाल, तालीम का सवाल, हमें अपनी सुरक्षा का सवाल ज़्यादा तरफ से उठाना चाहिए, न कि हमें राम मंदिर हो या मजहबी दंगों में फंसना चाहिए। ये एक रिफॉर्म आप देख रहे हैं और एक सामाजिक रूप से एक संबंध बन रहा है लोगों में? ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। देखिए अजीब सी बात यह है कि नैरेटिव कोई यूनिटी का बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अगर आप देखिएगा तो इस मुल्क में जो फासिस्ट फोर्सेस को चैलेंज करने के लिए जो नैरेटिव है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें महात्मा फुले का नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में जितने दलित मूवमेंट्स हैं या ओबीसी मूवमेंट हैं उनका नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस तरह से ऊना में हुआ, जिस तरह से दादरी में हुआ, जिस तरह से यूपी में और मध्य प्रदेश में हुआ, कहीं मुसलमानों को, कहीं दलित वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया और ब्रूटल तरीके से उनको टारगेट किया गया, तो अल्टीमेटली ये जो रूलिंग क्लास है उसने एक ऐसा इमोशनल लावा जनरेट किया है जिसका शिकार ये दलित और मुसलमान और दूसरे वर्ग के लोग हो रहे हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात ये सामने आई है कि इन तमाम निगेटिव चीज़ों के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है कि उनके अंदर अवेयरनेस आई है कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है, और वो कॉमन है हमारा मार्जिनलाइजेशन, वो कॉमन है हमारे खिलाफ रूलिंग क्लास की एनमिटी, वो कॉमन है हमारे खिलाफ रूलिंग क्लास की साजिश। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इस इलेक्शन में कोई इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बहुत ही बड़ा फॉर्मेटेबल अलायंस बनने वाला है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं संघ परिवार के लोग कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस मिसाल के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में देखिए कि सिर्फ दलित और मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो 40% पॉपुलेशन एक प्लेटफॉर्म पे आती है, और बाकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जब वो देखेंगे कि मार्जिनलाइज हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो एक तरफ आ गए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और ये एक परमानेंट फीचर बन जाएगा यहाँ पे, ये एक परमानेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। तो ये थे एमयू के प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, जिनकी माने तो इस देश को तभी आप मजबूत देश बना पाएंगे जब वो तमाम लोग जो जातीय रूप से, धार्मिक रूप से शोषित थे, वंचित थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और आपको कहीं ना कहीं एक मजबूत भारत के लिए, जहां हेल्थ की सुविधाएँ हो, तालीम की सुविधाएँ हो, सबको बराबरी का हक हो, वैसे उस तरह के देश बनाने के लिए आपको तमाम मजहबी बातों को छोड़कर, तमाम तरह के दंगे फसाद को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और आपको समझना होगा कि जो शोषित थे, वंचित थे, जिनको जानबूझकर शोषित वंचित रखा गया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और ये होता भी दिख रहा है देश में, और ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रवाद किसी दूसरे लोगों से नहीं बनता है, इस देश के नागरिकों से ही बनता है। और भारत एक तभी मजबूत देश बनेगा जब यहाँ जो वो तबका है जो शोषित है, वंचित है, वो मिनिस्ट्री में आए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो उनकी हिस्सेदारी बढ़े, और शायद तभी एक देश मजबूत होगा। कैमरा मैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, एएमयू, अलीगढ़।